यार IIST का आज राउंड नंबर 11 रिलीज कर दिया गया। और बातें करें आज इसके कट ऑफ की, तो यार कितना कट ऑफ गया है, कितना आने वाले समय में क्या आपके मार्क्स ठीक है, कितने पोजीशन पे आपको मिल सकता है। जैसे कि यार जिस प्रकार से मैंने काउंसलिंग की है, बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं उस हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने जैसे देखा गया है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अपने अलॉटमेंट भी सेंड किए हैं, और जिनके जैसे काउंसलिंग के जरिए मैंने देखा है बहुत सारी बच्चों की, जैसे ये जनरल कैटेगरी के अगर मैं बात करूँ तो वेटिंग लिस्ट चल रही है, कुछ बच्चों की 600 चल रही है, कुछ की 400 है, कुछ की 50 भी चल रही है, EWS के अंदर किसी की 10 भी चल रही है। तो जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग का किसी का 545 है, एक बच्चे ने मुझे जो है, दो बच्चों ने मेरे को ये अलॉटमेंट सेंड किए हैं जिसके अंदर इसके एक स्टूडेंट्स के पहले 540 थे, देन उसके अभी 535 हो गए हैं, और एक के एटलीस्ट 355 थे, 300 जो है 50 हो गए हैं, देन एक स्टूडेंट है जिसके 295 थे, जिसके 290 हो गए हैं, देन इसके एक के जो है 287 से, तो 285 हुए हैं, सिर्फ दो ही का ही डिफरेंस है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे किसी का दो का डिफरेंस आया, किसी के पांच का आया, किसी का सात का आया, किसी के तीन का आया, किसी के आया भी नहीं है, एक ऐसा स्टूडेंट भी है जिसके डिफरेंसेस नहीं आया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर, ड्यूअल डिग्री के अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, ड्यूअल डिग्री में मैक्सिमम 10-11 तक भी जा रहा है, 16 तक भी गया है, बहुत सारे बच्चों के जो भी ये डिफरेंसेस है। तो यार अब जो है भैया कितने तक मिल पाएगा, अभी हमारी एटलीस्ट किसी की 100 चल रही है, किसी का 400 भी चल रहा है, किसी का 300 भी चल रहा है, तो क्या इसकी वेटिंग लिस्ट 400 है तो क्या उसको लास्ट स्पोर्ट राउंड तक कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या फिर जिसका 600 चल रहा है तो क्या लास्ट स्पोर्ट राउंड तक मिल जाएगा क्या? यार नॉर्मली जैसे अगर मैं सोचे तो क्या 600 वाले को मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि जो बाकी जो आगे 500 बच्चे बैठे हुए हैं, सीटें तो एटलीस्ट 60-70 ही होती है, क्या 500 बच्चे सारे थोड़ा ना लेफ्ट कर देंगे, एक दो बच्चा लेफ्ट कर सकता है, तो क्या हमारे चांसेस बनते हैं? तो यार जनरली तो वैसे नहीं बनते, मतलब नॉर्मली अगर आप सोचते हो तो वैसे आपको लगता है कि नहीं होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट एंड मोमेंट तक लड़ना चाहिए, क्योंकि जस्ट पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी वेटिंग लिस्ट 600 थी, तो किसी किसी का हो गया। तो जस्ट, और जो भैया ये ज्यादा डिफरेंसेस कब आएगा? रैंक जो जो है डिफरेंस जो है रैंक के अंदर कब आएगा, यानी कि जो है 400 अभी चल रहा है, और अभी ये 11वां राउंड आ गया, और ये मान लो 15-17 तक चलेगा, तो ये दो दो चार चार अगर कम होता रहा, जैसे अभी किसी का 7 कम हो रहा है, 8 कम हो रहा है, तो 400 तो कम होगा नहीं, तो इतना ज्यादा कम हो कैसे होगा? तो यार ये सेकंड जो रिवेलिडेशन होगा उसके अंदर मान सकते हो, अगर आपका 200-250 अगर कम हो जाता है डायरेक्टली, तो आप स्पोर्ट राउंड में अपने आप को मान सकते हो कि हो जाएगा 100%। और यार अगर आपको इसका उतना ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो, जिसका गूगल फॉर्म लिंक नीचे दिया गया है। अगर तुम्हारा एडमिशन करवा पाया तभी जो है पैसे ये रखेंगे अपन, अगर एडमिशन नहीं करवा पाए तो तुम्हारा पूरा रिफंड कर देंगे। ऐसी ही हमारी पॉलिसी है, ठीक है स्टूडेंट? तो अपनी जो भी सारी डिटेल्स है वो नीचे गूगल फॉर्म के अंदर डाल सकते हो, ठीक है? स्पोर्ट राउंड वगैरह जो भी होता है 100% यही ट्राई करते हैं कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए। स्टूडेंट्स, ठीक है? और यार जिन बच्चों को भी 600 वेटिंग चल रही है, 700 वेटिंग चल रही है, 500 वेटिंग चल रही है, 300 वेटिंग चल रही है, तो यार 70वें राउंड तक वैसे तो तुमको कुछ नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ स्पोर्ट राउंड के अंदर लड़ते रहना है। दिसंबर, एटलीस्ट 2-3 दिसंबर को होगा स्पोर्ट राउंड, दो दो को होना चाहिए। तो 30 नवंबर को आएगी वैसे नोटिफिकेशन, 2 तारीख को होगा, तो यार वहां तक लड़ते रहना है। और हाँ अपनी एक सीट सिक्योर करके जरूर रखे किसी भी कॉलेज के अंदर, अगर बाई चांस नहीं होता है तो फिर एक अपना साइड व्यू तो होना ही चाहिए। स्टूडेंट, ठीक है? और जिन स्टूडेंट्स को अगर स्पेस काउंसलिंग में इंटरेस्ट हो, 100% हम यही ट्राई करते हैं स्पोर्ट राउंड वगैरह में की हो जाए, तो वो नीचे जो लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, उसके अंदर अपनी डिटेल वगैरह फिल कर सकते हैं, और रिफंड डिटेल भी उसके अंदर ही दिया गया ऑप्शन, आप वहाँ पे अपने रिफंड डिटेल भी डाल सकते हैं, जो भी बैंक अकाउंट वगैरह होता है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट को वही फिल करना होता है, ठीक है? आफ्टर फॉर्म फिलिंग के हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेती है, आपको जो भी मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया होता है आपको कॉल आ जाता है, एटलीस्ट 1 से आधे घंटे के अंदर ही आ जाता है, मैक्सिमम आप 2 से 3 घंटे मान सकते हो, जैसे आप गूगल फॉर्म फिल करते हो।
ओके स्टूडेंट्स ठीक है। और यार जिनके भी वेटिंग लिस्ट चल रही है वो थोड़ा वेट कर ले सेकेंडरी वैलिडेशन के अंदर। आई होप आपके चेंजेस आए 100 150 200 300। ओके आज मैक्सिमम आप मान सकते हो 150 का चेंजेस आना चाहिए। फर्स्ट रिवेलिडेशन जो हुआ था बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो कि 900 से डायरेक्टली 400 पे आ गए थे, 300 पे आ गए थे। तो यार ऐसा भी सेकेंड राउंड में मतलब उतना तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन आप मैक्सिमम 150 टू 200 मान सकते हो। ओके स्टूडेंट्स ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।